एनिमल एंड देयर लाइफ स्टाइल। कुछ कॉमन सा क्वेश्चन है जिसको आपको जवाब देना है। जवाब देना है मतलब मन में सोचना है और फिर उसके बारे में फिर बताइएगा हमको। पहला तो ये चीज है कि आप मछली को हवा में नहीं दे सकते उड़ते हुए। अगर मछली को थोड़ा देर के लिए हम पानी से बाहर निकाल दें तो फिर क्या होगा? अगर हम मछली को पानी से बाहर निकाल दें तो फिर क्या होगा? मछली को छोड़ दो, बस सोचना है कि मछली जो है पानी में ही जिंदा रह सकता है, पानी के बाहर वो जिंदा नहीं रह सकता। इंसान को सोचते हैं, इंसान को हम पानी में डाल दिए, डुबा दिए मछली के जाकर, कितना देर जिंदा रहेगा? क्या है आखिर ऐसा क्यों हुआ कि इंसान जो है जमीन पर ही जिंदा रह सकता है पानी में नहीं, मछली जो है पानी में ही जिंदा रह सकता है जमीन पर नहीं? ले जाकर टावर पर से हम क्या किए ना, बहुत बड़ा टावर के ऊपर ले गए, ऊपर से मेहर को भी फेंक दिए और एक कबूतर को भी फेंक दिए, दो चीज को फेंक दिए बराबर। बस में और हम में क्या है, दोनों हम लोग एनिमल हैं, दोनों और को फेंक दिए, क्या होगा? कबूतर बच गया है और मेहर का क्या होगा? मेहर का क्या होगा? मेहर चल जाएगी। फिर सोचने वाली बात है कि मेहर आगे क्यों चली गई, उसको भी तो उड़ना चाहिए था ना। तुम लोग में से कितने बच्चे ऐसे हो जो एकदम घने जंगल के अंदर एक रात बिता सकता है? बस एक रात बिताना है एकदम घने जंगल के अंदर, सोचो। बहुत अजीब लगता है ना सोच करके कि एक घना जंगल है, एक दिन तो मुश्किल है, रात तो आप छोड़ ही दीजिए, रात तो ऐसे ही हार्ट अटैक कर जाते हैं। दिन का बात कीजिए कि हम एक दिन नहीं बिता सकते, दिन में भी तो ऐसे डरावना लगता है जंगल का सन्नाटा। और सोचिए उस घने जंगल में आप नहीं रह सकते, जबकि हम इंसान बोलते हैं इंसान इतना पावरफुल है, जब उसी जंगल में बंदर जो छोटा छोटा जीव है बंदर देखो पेड़ पर उछल कूद करते रहता है, अब बोलता है जंगले मेरे लिए सबसे बेस्ट है, वो कभी कभी भूत भटक करके आपके मोहल्ले में आ जाता है तो बेचारा देखते हो डर से उसका क्या हालत खराब होता है। तो वो जब शहर में आता तो डरा हुआ रहता है, आप जंगल जाते तो डर जाते हो। ये सब है क्या, आखिर ऐसा क्यों है कि हम पानी में नहीं रह सकते हैं, मछली पानी से बाहर नहीं रह सकता है, बर्ड उड़ सकता है हम उड़ नहीं सकते हैं, हम जंगल में जाएंगे नहीं सकते हैं, जंगली जानवर शहर में नहीं आ सकते हैं? तो आप कहिएगा कि सर सबका एक जगह फिक्स है कि कौन कहाँ पे बेस्ट तरीके से रह सकता है, सबका फिक्स है ना, ऊपर वाले ने बना के भेजा कि मछली है तो पानी में बेस्ट है और भगवान ने उसे कुछ इस तरीके से बनाया है कि पानी में वो बहुत मजे से रह सकती है, अपने आप को सर्वाइव कर सकता है। हम लोग को कुछ इस तरीके से बनाया है कि हम लोग पानी में नहीं रह सकते हैं, हम लोग जमीन पर अच्छे से रह सकते हैं। कुछ जानवरों को ऐसा बनाया है कि वो जंगल में रह सकता है मैदान में नहीं रह सकता है। शेर लायन द किंग ऑफ जंगल, सोचिए जंगल हटा दीजिए तो क्या वो किंग रह पाएगा? आपको पता है कि अगर जंगल नहीं रहेगा तो शेर शिकार नहीं कर सकता है, फिर शेर अपने आप खत्म हो जाएगा। आपको ये भी पता होना चाहिए कि हमारे इंडिया से बहुत सारे वाइल्ड एनिमल दिन ब दिन खत्म हो रहे हैं, टाइगर कम हो रहा है, लायन कम हो रहा है और भी बहुत सारे जंगली जानवर कम हो रहे हैं। और उसके कम होने के पीछे रीजन क्या है? तो जंगल, जंगल कम हो रहा है तो भी कम हो रहा है, क्योंकि वो जंगल के बीच में छुप के रहते हैं, छुप करके फिर अपने शिकार को पकड़ते हैं। अगर मैदान कर दिया जाए तो चारों तरफ अगर मैदान रहेगा तो जो शिकार उसका होता है जैसे लाइक अ डियर,
या कोई भी और जानवर उसको दूर से देख लेगा, भाग जाएगा, फिर पकड़ ही नहीं पाएगा, नहीं पकड़ ही पाएगा, एक दिन भूखे रहेगा, दो दिन रहेगा, तीन दिन रहेगा, चार दिन रहेगा, कितना दिन रहेगा भूखा, फिर एक ना एक दिन तो मर ही जाएगा। तो कहने का मतलब कि ये तो फिक्स है कि हर एनिमल का एक रहने का जगह फिक्स है, जहाँ पे वो बेस्ट तरीके से रह सकता है, आराम से रह सकता है, वो उसका नेचुरल प्लेस है, भगवान ने उसको बनाया ही है उसी की जगह के लिए, दैट्स द हैबिटेट। कोई भी जानवर जिस जगह पर नेचुरली रहता है वो उसका हैबिटेट है। लाइक फिश, वो एक्वेटिक हैबिटेट में रहेगा, पानी में रहेगा। हम लोग टेरेस्ट्रियल हैं, लैंड पर रहते हैं। बर्ड्स एरियल हैं, हवा में रहता है। और हमारे अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर है जो हम जमीन पर रह सकते हैं। मछली के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर है जो पानी में रह सकता है। बर्ड्स के अंदर कुछ ऐसे बिहेवियर है जो हवा में उड़ सकता है। क्या है? तो पानी में जो रहने वाला जीव जंतु, उसके पास गिल्स होता है सांस लेने के लिए, हमारे पास लंग्स होता है, बर्ड्स उड़ता है क्योंकि उसके पास विंग्स होता है ना। तो जो जानवर जिस हैबिटेट में रहता है, ऊपर वाले ने उस तरीके से ही उसको बनाया है कि वो आराम से उस एनवायरनमेंट में अच्छे से अपने आप को रख सके। और सब कुछ आप एक छोटी से छोटी चीज को देखिएगा ना, तो हर एनिमल्स के अंदर डिफरेंट डिफरेंट होता है। लाइक लायन, लायन की बात करते हैं, लायन का कभी कभी तुम दांत को देखना, आएगा जो दांत होता है ये, इसको हम लोग कैनिंग करते हैं, ये वाला लायन का जो कैनिन होता है वो आगे एकदम शार्प होता है, एकदम दो ऐसे हुक की तरह। दांत देखना, गौर करना, हमारा दांत एकदम फ्लैट है ना, एकदम चिकना, उसका एकदम ऐसे होता है क्योंकि जहां मारे उसको फाड़ना रहता है। इसको क्या करना है, इसको ये फ्लेट है, इसको ऐसा मार के इसको फाड़ना है तब तो इसको खा पाएगा। अब सीधा दांत से नहीं फटेगा, तो उसका कैनिंग जो होता है शार्प होता है क्योंकि वो फ्लेश खाता है फाड़ने के लिए। उसका नाखून देखोगे ना, नाखून तो हुक के टाइप रहता है, इस तरीके से इस तरह हुक रहता है। वो क्या करता है कि जब जानवर का शिकार करना रहता है तो देखिएगा आप गौर से होंगे, मैन वर्सेस वाइल्ड देखे होंगे, नहीं मैन वर्सेस वाइल्ड नहीं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखेगा जहाँ पे जंगली जानवर जो शिकार करता है लायन, तो किसी जंगली भैंसा और सर के पीठ को कस के पंजा मार देता है, एकदम ऐसे करके ऐसे पकड़े रहता है और भैंसा वहाँ से झील नहीं पाता। और हम लोग बार बार सोचते थे बचपन में कि फिसल क्यों नहीं रहा, ऐसे अगर हिलता है जैसे हम लोग पकड़ते हैं उसको भैंसा को, तो हिलता है तो हम लोग हाथ फिसल जाता है, वो छूट के भाग जाता है, लेकिन वो क्यों नहीं फिसल पाता। तो उसका जो नाखून होता है ना शेर का, वो उसके जो चमड़ा होता है उसको मार कर उसमें ऐसे करके खींच देता है, तो हुक की तरह उसके स्किन में फंस जाता है। वो कितना भी खींचेगा ना खिंचाएगा नहीं, हुक की तरह फंसा हुआ, और उसको दबाने की कोशिश करता है। दबाने के बाद जैसे ही भैंसा गिर जाता है, एक बार अगर गिर गया तो सीधे उसके गर्दन पर अटैक करता है, वो अपने सांप कैनिन से इसका गला को दबाता है, ढंग के काम कर देता है। इसके अंदर है ना, हमारे अंदर वो चीज़ है नहीं, उसको जरूरी भी है। अगर उसका नाखून साफ नहीं रहेगा तो किसी शिकार को उछला पकड़ा फिसल गया भाग गया, किसी शिकार को पकड़ भी लिया दांत एकदम चिकना था फाड़ ही नहीं पा रहा, बैठ के खा रहा खा रहा खा रहा परेशान हो गया। तो दांत देखेगा, हार्बिवोरस का दांत और कार्निवोरस का दांत अलग अलग होता है, नाखून अलग अलग होता है। तो हम लोग अगर एक चीज सिंपल सा आप समझिएगा तो हैबिटेट, हैबिटेट हम लोग एक वर्ड पर बात कर रहे हैं, अभी ज्यादा चीज नहीं, आपको सिर्फ इस पर बात करना है हैबिटेट। तो हैबिटेट क्या होता है, तो जिस नेचुरल सराउंडिंग में कोई भी लिविंग बींग रहता है, नेचुरली जिस सराउंडिंग में रहता है उसी को उसका हैबिटेट करते हैं। क्लियर है? और ऊपर वाले ने उस हिसाब से बनाया है।
और देखिएगा कि किसी भी जानवर को कुछ भी चीज अगर ऊपर वाले ने दिया है तो उसका कुछ ना कुछ जरूर काम होता है। हम लोग के पास, हम लोग सीधा चलते हैं, आराम से चल पाते हैं। अगर वही हम लोग को पेड़ पर चलना रहता तो हम लोग को भी चार पैरों की जरूरत होती है ना। कोई पेड़ पे दो पैरों के सहारे नहीं चल सकता है, देखो झुक जाता है, तो मैं ऐसे करते है ना। तो पेड़ पे चलने वाला क्या बंदर उंदर देखे हो? कभी कभी देखोगे बंदर का आगे का पैर छोटा होता है हल्का, इनका पैर पीछे का पैर, देखे हो क्यों होता है? क्योंकि जंप ले सके, वो जंप लेने में हेल्प करता है। हिरन को देखोगे, हिरन काफी फास्ट दौड़ता है। अगर हिरन स्लो दौड़ता, एक तो बेचारा ऐसे भी कमजोर जानवर है, तो उसको तुम भी पकड़ सकते हो, हम भी पकड़ सकते हैं, सब पकड़ सकते हैं। तो अगर ऊपर से वो स्लो दौड़ता तो फिर तो उसको शेर या कोई जानवर आराम से पकड़ लेता, और इस तरीके से पूरे जंगल से हिरन ही खत्म हो जाता। एक दिन में सिर्फ मजे मजे में 3-4-5 नहीं, 20-25 शिकार कर लेता हिरन का। लेकिन हिरन जो होता है ना, काफी फुर्तीला होता है, काफी तेज दौड़ता है। आपको पता होगा कि, आपको मालूम है ना कि सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन है? चीता। ठीक, चलिए, चीता सबसे तेज दौड़ता है। ऐसा करते कि हिरन और चीता में रेस लगवा दें, कौन दौड़, कौन जीतेगा? रेस है, पकड़ना है उसको, चेस करना होता है, हिरन को पकड़ लेना है चीता को। तो अगर शॉर्ट डिस्टेंस रहा, सही बात है कि चीता का शॉर्ट डिस्टेंस रहा, तब तो ठीक है, चीता उसको हरा कर उसको शिकार कर लेगा। लेकिन कुछ मिनट के अंदर अगर वो नहीं पकड़ पाया तो हिरन नहीं पकड़ाएगा। चीता का भले स्पीड बहुत ज्यादा होता, लेकिन ज्यादा देर तक मेंटेन नहीं कर सकता उस स्पीड को। 1 से 2 मिनट तक वो अपना स्पीड को मेंटेन करता है, उसके बाद स्पीड, चूंकि उसका शरीर में काफी ज्यादा वजन होता है इन कंपेयर ऑफ डियर, उसका वजन ज्यादा होता है, तो वो उसके कारण उसका एनर्जी जो होता है बहुत जल्दी खत्म हो जाता है। जबकि हिरन जो होता है उसके अंदर का स्टेमिना जो होता है कंटिन्यू रहता है, और एक कंटिन्यू वो सेम स्पीड से भाग सकता है, और काफी फुर्तीला भी होता है, लंबा लंबा जंप मारता है। कभी हिरन को आप दौड़ते हुए देखेगा, लंबा जंप मारेगा, और उसको पकड़ पाना चीता के लिए मुश्किल होता है, काफी मुश्किल। हाँ, पीछे से छुप करके या घेर करके या विधि, मतलब कि थोड़ा दूर है, थोड़े दूर पर अगर पकड़ लिया तो ठीक है, और नहीं अगर थोड़ा डिस्टेंस और कहीं हिरन तो भनक मिल गई चीता की, लायन के, टाइगर का, इन लोगों के बस की बात नहीं है कि हिरन को पकड़ लें। ऊपर वाले ने भी सोच समझ करके इस जानवर को बनाया है, इसके अंदर भी वो क्वालिटी दिया है कि जंगल के अंदर इन जानवरों के बीच में भी अपने आप को अच्छे से सर्वाइव कर सकता है। सभी जानवरों में एक अलग अलग बिहेवियर दिया हुआ, और जो भी बिहेवियर दिया हुआ है, हम लोग को लगता होगा कि ये कमजोर है, इसका क्या होगा, कोई भी मार देगा। हाथी देखिए, हाथी के पास क्या होता है? तेज दौड़ नहीं सकता, लेकिन आपने भी पता है कि हाथी बहुत तेज दौड़ता है। हाथी जब दौड़ता है तो काफी तेज दौड़ता है, ऐसे दौड़ता नहीं है, लेकिन जब दौड़ता है तो बहुत तेज दौड़ता है, उतना वजन वाला शरीर ले करते। जिराफ है, उसका भी शिकार करना लायन के लिए उतना आसान नहीं होता, जब तक वो गिरेगा नहीं तब तक वो उसका शिकार नहीं कर सकते। अपने लंबे टांगों से जोर का झटका मारता है, 1-2 लात कस के मार दिया लायन को या टाइगर को या चीता को, वहीं पर उनका। भैंसा वैसा को देखते हो ना, भैंसा को जो होता है शिकार करना जंगल में बहुत मुश्किल होता है। कब? जब वो झुंड में रहते हैं, झुंड में रहेंगे तो भैंसा का शिकार कोई नहीं कर सकता। कभी कभी तो लायन झुंड में जाकर भैंसे का शिकार करने का कोशिश करता है और खुद ही शिकार हो जाता है।
कुल मिला के हैबिटेट के बारे में बस सोचिए, हैबिटेट वो उसका हैबिटेट है। भगवान ने उसी तरीके से उसको बनाया कि आप झुंड में रहो। एक मधुमक्खी देख के आपको डर लगता है? कभी नहीं लगेगा। एक मधुमक्खी क्या कर सकता है? उसको आप मार सकते हो, उसे डरा उतना नहीं डरता है कि काटेगा तो, लेकिन उतना डर नहीं रहेगा जहां मधुमक्खियों का आप झुंड देख लीजिए। एक चींटी है, क्या आपको डर लगता है? और आपके चारों तरफ चींटियों का झुंड है तो हैबिटेट इज ए नेचुरल सराउंडिंग वेयर एनी लिविंग थिंग सर्वाइव इजिली कंफर्टेबली। ये आपका हैबिटेट का एक इंट्रोडक्शन था। कल हम लोग बात करेंगे ब्रेथिंग इन एनिमल, कि डिफरेंट एनिमल जो है वो किस तरीके से ब्रेथ करते हैं। आज का कहानी सिर्फ था हैबिटेट के बारे में, हैबिटेट होता क्या। हम लोग कल पढ़ेंगे कि हर जानवर जो होता है ना, जैसे हम लोग सांस लेते हैं तो कैसे लेते हैं, नाक से, सबको पता है। तो वैसे क्या सभी जानवर नाक से सांस लेते हैं? क्या सबके पास लंग्स होता है? या अगर लंग्स नहीं होता तो फिर वो कैसे ब्रीथिंग करते? इन सभी चीजों के बारे में हम लोग कल के सेक्शन में स्टडी करेंगे। ठीक है, ठीक है, थैंक यू।